अलग हो जाऊंगी। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, विकास पांडे क्या सुजीत पांडे भी आएंगे ना, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है? चाटा क्यों लगाए? सुन लीजिए, विकास भाई बोल रहा हूँ, विकास पांडे बोलने पे मजबूर मत कीजिए हमें, ठीक है? नहीं तो भूल जाऊंगा कि आप बड़े भाई हैं। करेंगे, तो चाटा लगा देती विकास पांडे को। यार मैं, यार ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई साजिश कर रही हूँ। मैंने, हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो गाइस आपसे एक बात शेयर करनी है, जिस बात से मैं थोड़ा परेशान हूँ। मतलब राहुल है, राहुल ने मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले मुझे ये बोला था कि मैं सब देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो यार अभी सीन क्या हो रहा है कि राहुल के जो टीम वाले हैं एक एक करके मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तब दुख तुम्हें प्यार नहीं था, अब तुम्हें कैसे प्यार हो गया। तो यार तुम बताओ, जब मैं प्यार नहीं करती थी तो राहुल से, राहुल को दिक्कत थी, राहुल परेशान था, ठीक है? और अब मैं अगर प्यार करती हूँ तो उसके टीम वालों को मुझसे प्रॉब्लम है। मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है? और मतलब बहुत फालतू बोल रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, मतलब यार कोई वैल्यू नहीं है। तो राहुल से मैं आज फाइनल करने आई हूँ, मैं उससे पूछ लूँगी सब कुछ कि तू मुझे बता दे कि क्या करना है। तो मैं उसे फ़ोन करती हूँ, मैं उसे यहाँ पर बुलाती हूँ। हेलो, हाँ से मिल रहा हूँ। हाँ राहुल, मिलने बुलाया था तुम्हें, आए नहीं अभी तक। थोड़ा मैं काम पे कुछ काम कर रहा हूँ, किसी के पास आया हूँ। अब अच्छा, पहले तो एक मिनट में आ जाते थे, अब तुम आ नहीं रहे हो, एक घंटा हो गया। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। जहाँ मिलते हैं वहीं आओ। ठीक है, लोकेशन भेज दो। ठीक है, ओके। A few moments later. क्या हो? आ गए हो? और बताओ यार, हुआ क्या? तुम्हें नहीं पता यार, तुम्हें से बुला और एक घंटा हो गया तो, और वैसे तुम 5 मिनट में आ जाते थे। बताओ क्या हुआ यार, तुम्हारी टीम वाले चाहते क्या है? एक बार या तो पूछ लो या तो मुझे उनसे बता दो क्या हुआ। तुम्हें पता क्या हुआ है यार? तुम्हारे जो हुआ तो क्या? वो है ना विकास नाम से, जिनका मतलब, हाँ विकास भैया जो है तुम्हारे, तो वो मुझे बुलाया मिलने के लिए उन्होंने, और मुझसे बात बात करने लगे कि तुम बोल रहे कि तुम अब प्यार कैसे करने लगे और तुम कोई साजिश रची हो। मतलब तुम्हें यार ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई साजिश कर रही हूँ? मैंने तुम्हें बोला तुम्हें नहीं, तुम्हें लगता नहीं कि मैं सच में तुम्हारे साथ रह रही हूँ, पसंद करती हूँ? अब नहीं लगता तुम्हें? पहले तो नहीं लगता होगा। करती हूँ मैं, मान रहा हूँ करती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला क्या पूरा? उन्होंने यार, उन्होंने ये बोला कि तुम हमारी टीम खराब कर रही हो, तुम कोई साजिश रच रही हो, कोई तुमसे कुछ करवा रहा है, और कहता है मुझे पता तुम कोई साजिश रचने वाली हो, ठीक है? और ऊपर से मेरा मुंह पकड़ने लगे, मुझे धक्का वक्का मारने लगे और बोल रहे धक्का दिया विकास भैया, मुझे धक्का दिया, ऐसे मुंह पकड़ा, हाथ पकड़ा, ठीक है? और वो ये बोल रहे हैं कि कहते हैं राहुल को बोल देना, जो करेगा कर लेगा। मैंने उसे बोला कि उसने मुझे बोल रखा है कि टीम वाले कुछ कहें तो मुझे बताओ, तो कह रहे वो क्या कर लेगा, मैं हम देख लेंगे। विकास भैया ने ऐसा बोला? हाँ, कि राहुल कुछ भी कर सकता हाँ, है, कुछ भी कर सकता है, देख लेंगे हम, और अभी बुलाओ अगर बुला सकते हो तो। मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट करा, तो तुम बता दो यार, अगर ऐसे बोलोगे तो मैं रिलेशनशिप छोड़ दूंगी, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, विकास पांडे क्या सुजीत पांडे भी आएंगे ना, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है? और रही बात ना, मतलब तुम गई क्यों यार? मतलब गई क्यों, नहीं जाना चाहिए ना, अगर विकास पांडे फोन करते हैं तो नहीं जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी टीम वाले हैं ना, मुझे लगा कि तुम साथ में होंगे, क्या मुझे नहीं क्या जाना पता चाहिए यार? पहले पूछ लेना चाहिए मेरे से। मैं सुबह तुम्हें बता के गया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी के पास हेल्प के लिए जा रहा हूँ, मैं सुना फिर छोड़ के आ गया, हेल्प भी नहीं किया किसी का, और ऐसा होगा तो किसी के पास जाऊंगा भी नहीं। यार तुम डिसाइड कर लो, या तो मैं तुम्हारे मतलब साथ, जलस हो रही है क्या हमारे टीम वाले? मैंने मतलब कहा ना उन्हें, तो वो किलसने लगे इस बात पे, कह रहे कि हम क्यों जलस करेंगे, तो करेंगे चाटा लगा देती विकास पांडे को। यार मैं इज्जत करती हूँ ना, तुम सबकी टीम वालों की, मैं कैसे चाटा लगा दूं? तुम्हें हाथ कोई लगाए तुम ऐसे छोड़ दोगी? यार एक इज्जत बात होती है, तुमसे हमसे बड़े हैं बस, और कोई बात नहीं है। बट यार उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, उन्होंने अच्छा नहीं किया, देख लो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अगर ऐसी बात रही। ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, हम उनको तो सबक सिखा देंगे, ठीक है? तुम पहले ये जो बोल रही हो ना, हमेशा बोलती हो ना, तो मुझे गुस्सा आने लगता है, ठीक है? ऐसा मत बोलो, ठीक है? मैं उन्हें चल के अभी उनका क्लास करता हूँ, ठीक है? कि अगर हम प्यार करते हैं तो उनको क्या जलस है, ठीक है? जाओ उनसे बात करो, देखो यार ऐसे तो नहीं चलेगा काम, कोई मुझे कोई कुछ कह देता है, कोई किसी को कोई वैल्यू नहीं है यार, ना किसी को हिम्मत है, ना अंकेश में, ना अंकिता में, ना सुजीत पांडे में, ना किसी में, जो कोई आके तुम्हें बोले। मैं किसी से कुछ बोलने गया तो तुम उनको समझाओ ना यार, मैं अपने दम पे मतलब हासिल किया हूँ ना, उनके दम पे तो नहीं किया हूँ ना।
तो फिर उनको पूछने का हक भी नहीं बनता है। अब तुम उन्हें बोलो, नहीं तो देख लो फिर क्या होएगा, तुम्हें पता ही है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? कोई भी कुछ बोलेगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बस तुम्हारा साथ रहेगा ना तो साला क्या जीत सकता है। तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ यार, उनको बताओ, उनको समझाओ। अगर कोई फोन करके बुलाता है ना, अगर बात करो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, उसी समय खींच के चाटा लगाओ, ठीक है? जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हें कोई आएगा मतलब लल्लू पंजू समझ लिया, कोई आए कुछ भी बोल दे, ठीक है? यार तुम्हारी इज्जत करते हो तभी तो ऐसे है, वरना तो अरे मत करो ऐसे लोगों की इज्जत मत करो जो तुम्हारा गला पकड़ ले। चलो अब तुमने बोल दिया ना, अब ध्यान रखूंगी। बिल्कुल मत इज्जत किया करो ऐसे लोगों को। और मैं अगर उस समय फोन करती ना तब बता दे। रुक जाओ, अभी फोन करते हैं विकास भैया को, क्या है कर रहे, रुक जाओ बताते हैं क्या कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम भी खुद सुनो। हेलो हेलो, हेलो हेलो, राहुल बोलो। आपने सिमरन को क्यों चाटा लगाया? बदतमीजी करेगी तो चाटा नहीं जाएगी। आपसे बदतमीजी की, आप उसके साथ बदतमीजी की हो ये बताओ। क्या बदतमीजी की है? आप की हो, ठीक है? ये नहीं की है, आपने बुलाया ना उसे? इतना भरोसा हो गया तुम्हें? बहुत भरोसा है, जान से ज्यादा भरोसा करता हूँ इस पे, ठीक है? दो दिन आए नहीं। अरे तो आपसे आपसे बोलने गया, आपको इससे कौन बोलने गया? आप फोन करके इसे बुलाए ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे आ जाओ, इधर बात करनी है। जब ये बात कर ली तो फिर ऐसा क्यों आप करने के लिए बुलाए थे? तो फिर चाटा क्यों लगाए? चाटा क्यों लगाए? चाटा क्यों लगाए? सुन लीजिए, विकास भाई बोल रहा हूँ, विकास पांडे बोलने पे मजबूर मत कीजिए हमें, ठीक है? नहीं तो भूल जाऊंगा कि आप बड़े भाई हैं, समझ जाइए, भूल जाऊंगा। एक लड़की के लिए भूल जाएगा? भूल जाऊंगा, और ये लड़की नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ है। क्या कर लेगा भूल के? तो आप भी क्या कर सकते हैं इसके बाद? इसके बाद करके दिखाइए फिर। लास्ट चेतावनी दे रहा हूँ आपको, लास्ट चेतावनी, अगर इसे कुछ हुआ ना तो समझ जाइएगा। मारा तो नहीं हूँ, लेकिन अगले बार देखा था। तो इसके बाद अगर हिम्मत होगा ना आप में या आपके टीम वाले में तो छू के दिखाइएगा बस इसके इसे। टीम वाले तू का क्या टीम का? अरे नहीं नहीं चाहिए ऐसी टीम, ठीक है? लड़की मिल गई है ना, मेरे साथ रह रही है ना, मैं खुद काम कर लूँगा, ठीक है? और रखते हैं इसके बाद कभी उल्टा सीधा इसे बोलिएगा भी मत, ठीक है? इसके बाद ये अगर कुछ भी बोलते हैं ना, बेझिझक जवाब दो, हाँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? चलो गुस्सा मत हो, चलो।